नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल तमन ब्लॉगर बीना शर्मा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। मैंने यहाँ पे एक कटोरी उड़द की दाल ले ली है, साबुत उड़द लिया है मैंने। इसमें मैंने इनको साफ़ करके धो लिया अच्छे से। अब मैं इनको कुकर में प्रेशर लगाने के लिए रख दूँगी। 5 से 7 बिसल लगाएंगे हम इसमें। मैंने इसमें हल्दी डाली है 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल देंगे हम इसमें और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी इसमें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हम इसे बंद करके गैस पे रख देंगे। जब तक हमारी दाल उबल जाएगी हम उसका मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने 1 टमाटर और 1 प्याज कट करके रख लिया है। अब मैं अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट लूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मसाले में। हमारी दाल भी उबल चुकी है, अभी हम इसे चेक कर लेंगे कि कैसी पकी है ये। हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं चाहिए हमें। अब मैं कढ़ाई में तेल ले लूँगी। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें जीरा डाल दूँगी और उसमें हम पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाए तब हम उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें टमाटर डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला अच्छे से पक जाना चाहिए, उसी से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। अभी अभी सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इसमें थोड़ी सी टमाटर प्यूरी डालेंगे और उसे भी हम पका लेंगे हल्का सा। अब ये हो चुका है, हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। पहले इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैं लाल मिर्च डालूंगी इसमें। हल्दी और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं दाल में उबालने के टाइम पे। अब मैं मसाले को थोड़ा और पका लूँगी। बहुत ही टेस्टी दाल होती है ये। हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें दाल डाल देंगे और गाढ़ी होने तक हम उसे पका लेंगे। हमारी दाल काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई मिला देंगे और उसे भी अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। मलाई डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कल मिलते हैं एक नई वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।